हेलो व्यूवर्स, केबिथन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के अंतर्गत पश्च फ्रायडवादी उपागम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पश्च फ्रायडवादी उपागम, जिसे इंग्लिश में पोस्ट फ्रायडियन अप्रोचेस कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड का अनुसरण करते हुए बहुत सारे सिद्धांतकारों ने अपने अपने विचार दिए। इनमें से बहुत सारे सिद्धांतकार ऐसे थे जिन्होंने शुरू में फ्रायड के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन बाद में उन्होंने फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की व्याख्या अपने तरीके से की। ऐसे सिद्धांतकारों को नव विश्लेषणवादी या पश्च फ्रायडवादी कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि इन्हें और इनके सिद्धांत को फ्रायड से अलग समझा जा सके। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि फ्रायड ने इड और ईगो को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, साथ ही उन्होंने इड की लैंगिक और आक्रामक प्रवृत्तियां यानी सेक्सुअल और अग्रेसिव टेंडेंसीज को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन जो पश्च फ्रायडवादी हैं, उन्होंने इड और ईगो के इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम किया है। जो पश्च फ्रायडवादी हैं, उन्होंने इड और ईगो को कम इम्पोर्टेंस दी है, उसकी जगह पर उन्होंने सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, क्षमता यानी एबिलिटी और समस्या समाधान योग्यता यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इस तरह के मानवीय गुणों पर बल दिया है। यानी नव फ्रायडवादी या पश्च फ्रायडवादी जो भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, सिद्धांतकार रहे हैं, उन्होंने इड और ईगो के स्थान पर क्रिएटिविटी, एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे मनुष्य के गुणों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। यहाँ हम 5 अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का, या यूं कहें कि नव फ्रायडवादियों का अध्ययन करेंगे। ये 5 नव फ्रायडवादी हैं: कार्ल यूंग, कैरन हॉर्नी, अल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रॉम और एरिक एरिक्सन। आज की क्लास में हम कार्ल यूंग और कैरन हॉर्नी के सिद्धांत को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्ल यूंग की। तो कार्ल यूंग ने शुरू में सिगमंड फ्रायड के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन बाद में ये फ्रायड से अलग हो गए। जहां फ्रायड ने अपने सिद्धांत में काम भावना यानी सेक्सुअल डिजायर और अग्रेशन आक्रामकता को ज्यादा महत्व दिया था, लेकिन यूंग ने देखा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो काम भावना और आक्रामकता की अपेक्षा अपने उद्देश्यों और आकांक्षाओं से ज्यादा निर्देशित होते हैं। उद्देश्य यानी एम, व्यक्ति का अपने जीवन में क्या एम है और उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं। तो व्यक्ति जो भी बिहेवियर करता है वो उसके उद्देश्यों और आकांक्षाओं से निर्धारित होता है, ना कि उसकी काम भावना और आक्रामकता से। कार्ल यूंग ने पर्सनालिटी का अपना एक सिद्धांत दिया जिसे विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान या एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है या मूल विचार है वो ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिस्पर्धी शक्तियां और संरचनाएं काम करती हैं। यानी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी की रचना जिन गुणों से हुई है या व्यक्ति की जो पावर्स हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। ये जो गुण है जिनसे पर्सनालिटी की रचना हुई है उनके बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कार्ल यूंग ने फ्रायड के इस विचार को नकार दिया कि व्यक्ति और समाज की मांगों यानी कि वास्तविकता के बीच में कोई संघर्ष होता है, यानी व्यक्ति की इच्छा और समाज जैसी डिमांड करता है। यानी व्यक्ति की इच्छा और समाज की वास्तविकता, यानी समाज व्यक्ति से जिस प्रकार के व्यवहार करने की डिमांड करता है, जिसे रियलिटी कहा है, उसके बीच में संघर्ष होता है। फ्रायड के इस विचार को कार्ल यूंग ने स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी में जो प्रतिस्पर्धी शक्तियां और संरचनाएं होती हैं वो काम करती हैं और इन्हीं के द्वारा व्यक्ति निर्देशित होता है। इसके साथ साथ यूंग एक सामूहिक अचेतन की बात करते हैं। सामूहिक अचेतन यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यूंग ने अचेतन के 2 हिस्से बताए हैं, एक व्यक्तिगत अचेतन और एक सामूहिक अचेतन। व्यक्तिगत अचेतन में व्यक्ति की व्यक्तिगत अनुभूतियां यानी जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो स्टोर होते हैं, जबकि सामूहिक अचेतन में ह्यूमन बीइंग यानी मानव जाति से संबंधित वो एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। ये अनुभव या ये एक्सपीरियंस प्रत्येक पीढ़ी के प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में दोहराई जाती हैं। सामूहिक अचेतन में आद्य प्ररूप
यानी आर्कटाइप, जिन्हें आद्य प्रतिमाएं भी कहते हैं, ये होती हैं। आद्य प्ररूप या आर्कटाइप किसी भी समूह के मूल आदर्श होते हैं। ये आर्कटाइप कभी भी व्यक्तिगत स्तर पर अर्जित नहीं किए जाते हैं, यानी ये पर्सनली कभी नहीं सीखे जाते, बल्कि ये वंशागत होते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों में ईश्वर, धरती माता, सूर्य देव या जल आदि के बारे में कुछ निश्चित विचारधाराएं थीं, जो विभिन्न पीढ़ियों से होते हुए आज हम तक पहुंची हैं। ये जो आद्य प्ररूप या आर्कटाइप है, ये मिथकों यानी पौराणिक कथाओं, सपनों और मनुष्य में पाए जाने वाली सभी कलाएं या जितने तरह के आर्ट्स हैं, उन सब में ये दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं। यानी पौराणिक कथाओं में भी जो भी आर्कटाइप हैं, वो पौराणिक कथाओं में या हमारे धार्मिक ग्रंथों में, इसके साथ साथ जितने भी तरह के आर्ट्स हैं, जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, कविताएं, कहानियां, इवन वास्तुकला यानी भवन निर्माण की कला, बिल्डिंग्स में विभिन्न प्रकार की प्राचीन मंदिरों या इमारतों में भी इससे संबंधित मूर्तियां या चित्र देखने में आते हैं। इन आर्कटाइप को विभिन्न तरीकों से एक्सप्रेस किया गया है, यानी अभिव्यक्त किया गया है। ये आर्कटाइप हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों में भी देखने में आता है और इनके अध्ययन का प्रयास यूंग ने किया है। यूंग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यूनिटी और होलनेस यानी एकता और संपूर्णता को पाना चाहता है, तो उसे लगातार अपने व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन में जो भी ज्ञान है उसके प्रति अवेयर रहना होगा। समस्या तब आती है जब व्यक्तिगत अचेतन में जो भी अनुभव है और सामूहिक अचेतन में जो अनुभव है, उन दोनों में अंतर हो। इसीलिए ये जरूरी है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन के साथ समान भाव से रहना सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कैरन हॉर्नी की। कैरन हॉर्नी एक महिला मनोवैज्ञानिक थी और ये सिगमंड फ्रायड की अनुयायी थी। इन्होंने सिगमंड फ्रायड की बेसिक थ्योरी से अलग एक थ्योरी डेवलप की। कैरन हॉर्नी ने मानव समृद्धि और आत्मसिद्धि पर बल दिया। मानव समृद्धि यानी ह्यूमन ग्रोथ और आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी अपने आप को सिद्ध करना। तो कैरन हॉर्नी ने मानव समृद्धि और आत्मसिद्धि पर बल दिया और मानव जीवन के लिए एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। कैरन हॉर्नी ने फ्रायड के इस विचार को चुनौती दी कि महिलाएं हीन होती हैं। कैरन हॉर्नी के अनुसार प्रत्येक जेंडर के व्यक्ति में गुण होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, उन दोनों में ही डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज होती हैं और इन गुणों की प्रशंसा अपोजिट जेंडर के व्यक्ति को करनी चाहिए। यानी स्त्रियों में जो गुण है उनकी प्रशंसा पुरुषों को और पुरुषों में जो गुण है उनकी प्रशंसा स्त्रियों को करनी चाहिए। साथ ही किसी भी व्यक्ति को उसके जेंडर के आधार पर श्रेष्ठ या हीन नहीं समझा जाना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए कमतर या हीन नहीं हो सकता क्योंकि वो महिला है, या कोई भी पुरुष सिर्फ पुरुष होने के आधार पर श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कैरन हॉर्नी का ये कहना था कि महिलाएं जैविक कारक की तुलना में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होती हैं, जैसा कि महिलाओं को कुदरती तौर पे कमजोर या हीन समझा जाता है, लेकिन महिलाएं सामाजिक भेदभाव या सांस्कृतिक कारकों के कारण अधिक प्रभावित होती हैं। कैरन हॉर्नी ने यह तर्क दिया कि मनोवैज्ञानिक विकार यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, वो चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में जो इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं, अगर डिस्टर्ब हो यानी विक्षुब्त हो तो उसके कारण उत्पन्न होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन यानी समाज के लोगों के साथ व्यक्ति के जो रिलेशनशिप होते हैं, उन्हें अंतर्वैयक्तिक संबंध या इंटरपर्सनल रिलेशंस कहा जाता है। जैसे बच्चे का अपने माता, पिता, भाई बहनों या और रिश्तेदारों से जिस तरह के संबंध या रिश्ते होते हैं, उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और अगर ये संबंध विक्षुब्ध हो यानी डिस्टर्ब हो, इनमें कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बच्चे पर पड़ता है। विशेष रूप से बच्चे के प्रति माता पिता का व्यवहार, अगर बच्चे के माता पिता उसके प्रति उदासीन हैं, यानी उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, उनका व्यवहार हतोत्साहित करने वाला है यानी डीमोटिवेट करने वाला है, या फिर अनियमित है यानी बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं देते, तो ऐसी स्थिति में बच्चा असुरक्षित महसूस करता है, जिससे बच्चे में
में एक तरह की फीलिंग या भावना आती है जिसे मूल दुश्चिंता या बेसिक एंजाइटी कहते हैं। इस दुश्चिंता यानी एंजाइटी के कारण बच्चे के मन में अपने माता पिता के प्रति एक गहन अमर्श मतलब क्रोध या गुस्सा और आक्रामकता अग्रेशन घटित होता है। जो माता पिता बच्चे पर ध्यान नहीं देते, उन्हें डीमोटिवेट करते हैं या उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं करते, ऐसे माता पिता के प्रति बच्चे के अंदर एक क्रोध और अग्रेशन उत्पन्न होता है। अगर माता पिता बच्चे को बहुत डोमिनेट करते हैं या फिर उसके प्रति बिल्कुल ही उदासीन रहते हैं या बच्चे की बहुत ज्यादा बात मानते हैं, बच्चे की हर जिद हर मांग को पूरा करते हैं या फिर बहुत कम अनुमोदन यानी अप्रूवल देते हैं, यानी बच्चे की बिल्कुल भी बात नहीं मानते, उसकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं करते। बहुत ज्यादा अप्रूवल या बहुत कम अप्रूवल जब माता पिता बच्चे को देते हैं और साथ ही साथ या तो उसके प्रति डोमिनेंट बिहेवियर या फिर बिल्कुल उदासीन व्यवहार, या तो बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा डोमिनेंट बिहेवियर यानी कि प्रभुत्वशाली व्यवहार या फिर बिल्कुल उदासीन बच्चे की तरफ बिल्कुल ध्यान न देना, इस तरह का बिहेवियर करते हैं, तो ऐसे बच्चे में एकाकीपन, बच्चे में अकेलेपन की भावना और साथ ही साथ असहायता की भावना, यानी बच्चे बिल्कुल असहाय हेल्पलेस फील करते हैं और ये एकाकीपन या असहायता की भावना बच्चे के स्वस्थ विकास में बाधा डालती है। सो व्यूवर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास आपको? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।